गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरव वर्ल्ड। तो आज ना मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, मतलब हवा भी चल रही है, ठंड भी हो गई है, बारिश होकर हटी है रात को, और यहाँ पर है रिचा मैडम। रिचा मैडम जी, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। मैं बाल सुखा रही हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है तो बालों को पीट रही है। पीट नहीं रही है, सुखा रही हूँ बालों को। वैसे यार मुझे ना एक लॉजिक नहीं समझ आता, मतलब धूप होती ना, मैं समझ भी आता कि तू बाहर आती आराम से बाल सुखाने के लिए। ये देखो बाहर ना इतने पत्ते भी हिल रहे, कहाँ पर है? तू यहाँ पर बाहर आके क्यों कर रही है? मतलब धन्य है तू लड़कियाँ भैया, धन्य है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो बाबूराव का स्टाइल है ना, तो तू क्यों कर रही है? तू बाबूराव नहीं है। ये मैंने उसका स्टाइल थोड़ा सा क्या हेरा फेरी, ये लो स्टाइल ही नहीं खत्म होता स्टाइलों के। अच्छा ये बता, ब्रेकफास्ट में क्या खिला रही आज? आज तुमने जो बोला था वही बनाया मैंने, दलिया बनाया। देखो पता है जो मैं बोलता हूँ वो तो कभी बनता ही नहीं। आज मैंने दलिया बोला ना, तो आज पक्की बात है कि दलिया तो नहीं बना होगा। अगर मैंने दलिया बनाया हुआ तो कितने पैसे दोगे मुझे? पैसे चल ठीक है, 50 पैसे दूंगा। अभी रुपयों की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। हाँ दिखाओ, ये देखो। अरे वाह, स्मेल भी बड़ी अच्छी आ रही है। आज कैसे तूने मेरे पास माल ली खाने के लिए? बस कभी मेरा मन कर जाता है। चलो आज तो सेवा अच्छी कर दिया है वो। आज तो यार गाल फुटने का मौका मिल जाता है। आज मेरी बात मानी है, इतना तो हक बनता है। बचाओ मुझे, मेरी बीवी से बचाओ। तू तो मेरे को रोज करती, मैंने कभी नहीं जाके महीने में एक बार किया। मोटे मोटे गाल है तो करना बनता है, तो चलो पतले सुप्पू से। पहले तो दलिया को भोग लगा देते हैं। तो ये लीजिए भोग। थैंक यू जी, थैंक यू। जय माता दी। चाय बन रही है, बस रेडी होने वाली है। यस, जय माता दी। तो हम काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लेके आए थे, रोज जैस्मिन वनीला फ्लेवर। अभी हम बस भगवान जी को भोग लगाने लगे मीठे का। आज हमने बनाया है कड़ा प्रसाद साहिब, और जय भगवान जी की जय हो। आज दरवाजा बंद कर देते हैं, बहुत ठंड है। और ये मिस्टर सज के बैठ जाते हैं, कोई काम को नहीं हाथ लगाते। उठो, चाय का काम आपको दिया था ना, प्लीज चाय बन चुकी है, डाल दो बस, गुड़ डाल दो। चलो वो कटोरे में से गुड़ निकाल दो, वो सबसे ज्यादा महंगा वो काम है। तो आज क्या लगाया जा रहा है हमारा नेटफ्लिक्स में? 14.50 यार। इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए क्लीनर वालों ने, मतलब एजेंसीज वाले भी खूब कमा रहे हैं इसमें से। भाई मतलब नॉर्मल इनका रेट होता है 9 pound रफली एक घंटे का, और एजेंसीज ने ना क्या कर दिया है कि एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म करके इसको 14-15 pound कर दिया, तो मतलब जबरदस्त चार्ज कर रहे हैं। मतलब जो बंदा सोच भी रहा है किसी को मतलब क्लीनर को बुलाने का, वो भी ना सोचे ये हालत हो गई है। ये आ गया हमारा कुली, कुली नंबर 1 की 2 की 3 यार, कुली बना के रखी है। ये केले थोड़े बहुत चीजें मंगवाई है मैंने। क्या है ये? पहली चीज तो ये है, तुम मेरे लिए आजकल बड़ा कुछ मंगवाते हो। राज क्या है? राज क्या है इसके पीछे? मेरे लिए, अपने लिए लेके आए हो, मैंने तो मंगवाई भी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। और साथ में ये है, क्या लग रहा है? चादर लग रही है, मैट्रेस प्रोटेक्टर। अच्छा वो चाय वगैरह गिर जाती है ना। ये क्या लेके आए हो अमेज़न से? अमेज़न से ये है हीटिंग पैड। हाँ यार इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, कई बार पीठ पीठ दर्द होती है ना। तुम इतना इतना काम करवाते हो मुझसे, मैं क्या करूं, मैं थक जाती हूँ सुबह। तुम ये बोलो तुम खेलने जाते हो तो तुम्हारी टांगे दुखती है, उसके लिए मंगवाया है। अलग सा लग रहा है ना, ये कैसा हीटिंग पैड है? अलग सी चीज है। तो ये देखो जी, ये तो ऐसा लग रहा पायदान टाइप का, नहीं होता जैसे? हाँ, नहीं ये हीट करेगा। ये बेसिकली क्या है कि जैसे तुम्हारे पीट पे दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, तो ऐसे बात। ओह वाओ ग्रेट यार, ये कहाँ से मिला तुमको? अमेज़न से। तो गाइस आज रक्षाबंधन है और मैंने गिफ्ट पैक कर दिया है, रिचा को भी दिखा देता हूँ एक बार। और अब इसके बाद हम ना फ्रेंड्स के घर जाने वाले हैं, और यहाँ पर है रिचा मैडम जी। अरे क्या बात है, आज तो फुल ट्रेडिशनल सूट, पूरा जूती जूती मैचिंग, और साथ में झुमके, ओए होए होए होए, अच्छे लग रहा है, फॉर अ चेंज अच्छी लग रही है। और बताओ जी फिर, घर पे नमूनी बन के बैठी रहती? वो तो नमूना तो है ये तो मेरा। अच्छा बस गाइस अभी क्या करने वाले, अभी इसका फटाफट शूट। हाँ ये देखो जी गिफ्ट पैक कर दिया मैंने, पुराना देखना गाइस, जिसने कोई पुराना ना घर से पड़ा हो गिफ्ट पैक निकाल के इसको पैक कर दिया। अब अच्छा इसके लिए मैं शॉपिंग के थोड़ी जाता लेके जाने के लिए, नया वाला गिफ्ट लगेगा, बच्चे को गिफ्ट देना तुम्हें। अच्छा रास्ते में जाके ले लेंगे,
इसको निकाल लेंगे। चलो यार, मतलब काम भी ना तुम वैसे ही करा करो। तो अब फटाफट निकलते हैं ना, हमेशा लेट, हमेशा लेट। मतलब बस कपड़े पर एक बात है, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में अच्छी लग रही है, पर तैयार होने में इतना टाइम, आधे घंटे से नीचे वेट करा रहा है तू मुझे। अरे मेरे को कुछ काम है इसलिए। चलो निकले फटाफट, अभी जाना है यार हमें। जब देखो इसको बस नाक पे गुस्सा आता रहता है, बोलता है आधा घंटा लेट हो गई। मुझे ना तो एक काम किया कर, मेरे को उठाती है, पहले फटाफट जाओ तैयार हो निकलो, और फिर आधा घंटा तैयार होके आती है। मुझे ना पहले पूरा तैयार होके फिर उठाया कर। Excuse me, मैं आपको नहीं जानती। हसा 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 बातें कर रही है, यही और क्या करूंगा। यहाँ पे दिया सज गया है पूरी तरह से। सुंदर लग रही है। उधर रखोगे ना दिए को कि वहीं पे? अरे वो सो आरती करती नहीं पाएगी। अच्छा बच्चा, हाँ समझ। हाँ जी सौरभ, धीरे से देखो कैसे लगाया, इधर कैसे लगाया, वो बड़ा वाला तिलक लगाया है। अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू। चाबी लगा दो। गाना बड़ा तो क्या घोष्ट बांध रहा था क्या राखी? क्या बोलेंगी ऋचा, बोलेगी क्या? हाँ तो फिर लो मैं बांधता ले चलो आइए, गिफ्ट ले लो आप। ओके फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचवाओगे? हाँ जी आधा तो पहले ही आपका, पहले आप ये ले लो आप, ठीक है? पीयूष ने तुमको राखी बोली, तुमने गिफ्ट नहीं दिया उसको। पीयूष अपना गिफ्ट तो लो, ये पीयूष का चश्मा। अरे यार खाने लगे खाना, और अभी चल रही है जी सेलिब्रेशन हो गया, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। नेहा भी आ चुकी है, नेहा मैं तो आगे बैठ जाती हूँ। पीयूष कहाँ पे है? बाय बाय बाय। आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था, हवा हवा नींद आ रही है अब तो बस यार। गाइस बाहर वाला दिन ना सबको सबका हेक्टिक ही होता है, तुम्हारा अकेले का नहीं हेक्टिक होता। तो भाई मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे अकेले का है, यहाँ पे तुमको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बात है गाइस। और अभी तो तुम जाके मुझे पता सोने वाले हो, कॉफी पी लो थोड़ी सी। हाँ थोड़ी कॉफी पी लूंगा, थोड़ा रिफ्रेश करनी भी नहीं पड़ेगी। रिचा तो एकदम खुशी से ना, मतलब कॉफी बनी हुई है, बस गरम करो और पी लो। सही है ना, इसको बनाने का नहीं तो आलस रहेगा, पकड़ो इसको। तो घर पहुँच गए, रक्षाबंधन भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अरे यार यूके का मौसम ना गाइस, किसी कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। बारिश शुरू हो गई है, इतनी तेज बारिश 2 सेकंड के अंदर। कहाँ तेज, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। गाइस मैं इस बार इसके धोखे में नहीं आऊंगा, मैं बहुत तेज हो चुका हूँ। 2 बार गलती कर लेते, तीसरी बार नहीं करता गलती। मुझे लग रहा था मैं बिगा दूंगी तुमको। यार वाकई में स्टार्ट हो गई बारिश तो, सही बोल रहे हो। चलो तो गाइस अभी हम लोग आप लोगों को बाय बोलते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना प्यार दिखे रहेगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेगा। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा। ऐसा अब जबरदस्ती वाले भाई नहीं बनाते। एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करो। अब तो कितने सारे त्योहार आने वाले हैं, मजा होगा। और इसी के साथ एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, रिचा का बर्थडे मंथ आने वाला है, आने वाला है अगले महीने है। अपना पेट सांस हटाओ गाइस, ये ना सांस लेके मैं बोलूंगा ताकि पतला दिखो। मुझे सरप्राइज देने वाला है। अब बोलते हैं बाय गाइस एंड बने रहिए हमारे साथ।